हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बाजार फ्रीक्वेंसी। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपके अपने चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में। तो बंधन बैंक लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यस, फंडामेंटल एनालिसिस मैं इसका पहले ही कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दे रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा बैंक, मैंने आपको उस वक्त ये बताया था। लॉन्ग टर्म की दृष्टि से हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे शॉर्ट टर्म बायर्स की दृष्टि से कि क्या करना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि स्टोकास्टिक डेफिनेटली पूरा डाउन आ चुका है। एक जो टर्न अराउंड है इसने ले चुका है। आप यहाँ पर मैकडी अभी इसमें नहीं पता चलेगा, रीज़न बींग मैं आपको रीज़न स्टेट करता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म का मैकडी अवेलेबल नहीं है। मैकडी की अपर और लोअर लिमिट होती नहीं है दोस्तों, तो कितना भी नीचे ही जा सकता है। मैकडी का इंडिकेटर कितना भी ऊपर जा सकता है। लोअर और अपर लिमिट सिर्फ स्टोकास्टिक और आरएसआई की होती है। मैकडी कंपेरेटिव होता है। जब भी चार्ट आप देखेंगे, जैसे मैं आपको आईसीआईसी बैंक जस्ट थोड़ी सी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ क्या फ़र्क है मैकडी और अदर्स में। सपोज मैंने आईसीआईसी बैंक यहाँ लगा दिया, तो आपको दिख रहा है एक एनालिसिस में कंपेरेटिव एनालिसिस है कि कितना ऊपर यहाँ पर ही गया, अब ये कितना नीचे आ चुका है और वापस ये जा रहा है। ये भी एक शुरुआत में है आईसीआईसी बैंक। और मैं पुराना स्टॉक लगाता हूँ आपको, तो वेदांता सपोज आप देखेंगे तो वेदांता के अंदर ये आप देखें कि आपको पूरा कंपेरेटिव स्टडी है। आप ये देखिए 80 पे भी गया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये वाली पीक यहाँ पर 18-19 पे गई है, ये 43 पे गई है, ये 80 पे गई है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये आपको पर डायरेक्शन बहुत देता है। आप कहेंगे मैकडी फिर अपने इंडिकेटर सेट में हम क्यों रखें। मैकडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। हो सकता है स्टोकास्टिक एक बार डायरेक्शन चेंज कर ले, पर उसके डायरेक्शन चेंज में प्राइस वेरिएशन ना आए। पर अगर मैकडी जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो लंबी देर तक जाएगा और वो प्राइस के ऊपर एट द लास्ट असर ज़रूर लेके आएगा। ये मैकडी का आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मैकडी के में हमने यहाँ पर देख लिया, ये तो अब आ गया वेदांता लग गया था। मैं आपको बंधन बैंक का दिखा देता हूँ। तो बंधन बैंक में आप यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ अभी मैकडी का कंपेरेटिव एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, ये नेगेटिव साइड में ही चल रहा है। अब स्टोकास्टिक हमने देख लिया नीचे पूरा आ चुका है, हालांकि अभी आरएसआई नीचे नहीं आई है। आरएसआई और स्टोकास्टिक क्या है, इनके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स है। मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, मिनिमम 0 तक जा सकता है, सेम स्टोकास्टिक के साथ है। अब स्टोकास्टिक तो देखेंगे आप यहाँ लो आ चुका है। देखें आप कि ये लो 12 तक आ चुका है, ये टर्न अराउंड हो चुका है। तो मोटा मोटी अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वीकली का स्टडी गहराई से करना है। तो वीकली अगर हम यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, तो वीकली डेफिनेटली जो है पूरा फॉल आ चुका है। वीकली का मैकडी आप कंपेयर कर सकते हो, वीकली का ज़्यादा टाइम का मैक अवेलेबल यहाँ पर है। तो वीकली में पूरा का पूरा फॉल आ चुका है। हालांकि जीरो लेवल अभी बहुत दूर है, बट एक डिप जरूर लेगा। बट यहाँ पर जब तक ये स्टोकास्टिक पूरा ऊपर नहीं चला जाता या लगभग 80s तक इसको टच नहीं कर लेता है, और एक बार जो है यहाँ पर कम से कम RSI ऊपर नहीं आ जाती है, मे बी सपोज ये 56 को या 55 के लेवल्स को एक बार ये क्रॉस कर लेगी, तो उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर एक पूरी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। और आप वेट करें जब तक ये स्टोकास्टिक का लेवल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक आप इस रैली को एंजॉय कर सकते हैं। आप इस रैली पे आराम से जो है इसको चलने दे सकते हैं, अगर आप थोड़े से शॉर्ट मीडियम टर्म बायर हैं तो। और लॉन्ग टर्म बायर की एंट्री कब होगी इसके अंदर, अब यहाँ पर वन डे का और एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको एक अच्छी एंट्री चाहिए तो ज़रूर यहाँ पर एक डिप आएगा बीच में ज़ीरो लेवल से पहले, क्योंकि ये काफ़ी दूर है अभी ज़ीरो लेवल। हम कहते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, तो वो एक मुहावरा यहाँ लागू हो जाता है कि अभी ज़ीरो लेवल काफ़ी दूर है। एक साथ इतना कवर करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टोकास्टिक लगभग 73 पे आ चुका है। तो स्टोकास्टिक 100 की रेंज तक मान लो चला भी जाएगा तो ये एक बार में यहाँ पर मैकडी पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप इसमें वेट कर सकते हैं, 2-4-5 हफ्ते के बाद में यहाँ पर एक टर्न अराउंड आएगा। ये आपको थोड़ा सा एंट्री पॉइंट देगा। वो एंट्री पॉइंट किस प्राइस पे होगा मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता आपको,
हम उस वक्त ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं तो भी आप उस कंडीशन में, क्योंकि अभी भी वीकली स्ट्रॉन्ग है, 2-4-5 वीक अच्छा ये चढ़ सकता है, तो आप इसमें वन डे के अंदर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से बात बताऊँगा कि कैसे आप लॉन्ग टर्म बायर वन डे में एंट्री लेंगे और शॉर्ट टर्म बायर्स का भी मैं यहाँ क्यूमुलेट करता हूँ कि शॉर्ट टर्म बायर्स को अभी क्या करना है। तो आप देखें यहाँ पर कि वन डे यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर जा चुका है दोस्तों। RSI आप देख, स्टोकास्टिक अगर आप देखें तो काफ़ी सारा यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुका है। मैं ये नहीं मना करता कि यहाँ एक और बार ये ऊपर स्पाइक कर सकता है फिर नीचे आ सकता है, अभी हम वो चीज़ भी कंफर्म करेंगे दूसरे इंडिकेटर्स को देखकर। तो पर स्टोकास्टिक काफ़ी ऊपर आ गया है, तो क्योंकि अब इतना ऊपर आ गया है तो किसी भी शॉर्ट टर्म बायर को यहाँ पर नई एंट्री नहीं लेनी है, फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों। आप प्लीज़ मेरा ये रिकमेंडेशन मानिए, चाहे ये स्टॉक 10% ऊपर जाए, 20% ऊपर जाए, आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए ऐसे स्टॉक में जो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। अब यहाँ हम RSI देख लेते हैं, तो RSI यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है पूरी तरह एग्जॉस्ट हुई नहीं है दोस्तों, बिकॉज एक जो पूरा ओवरबॉट जोन में सिर्फ ही टच करके आया है, बट अभी अच्छी तरीके से ओवरबॉट जोन में गया नहीं है। सिर्फ एक दिन ही इंडिकेटर जो है ओवरबॉट जोन में जाकर वापस नेक्स्ट डे ओवरसोल्ड जोन में आ गया था, और ये इसका पैटर्न ही है। देखो किसी भी स्टॉक को पढ़ते समय आपको उसका पैटर्न देखना है, ये स्पाइकिंग जो है ये इसका पैटर्न है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो अभी तक ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन में गया नहीं है, सिर्फ स्पाइक होके वहाँ आया है। जैसे ये स्पाइक होके आया उसके बाद में और भी ऊपर गया, ये स्पाइक होके आया और भी ऊपर गया, तो ये स्पाइक होके आया है, ओवरबॉट जोन में पूरी तरह गया नहीं है अभी। तो आप इसके अंदर जो है जिन्होंने भी इसको होल्ड कर रखा है प्रोबेबली उनके पास दो रास्ते हैं, या तो आप RSI को कंटिन्यूसली वॉच करें और यहाँ पर MACD को भी वॉच करें, क्योंकि MACD भी स्ट्रेंथन्ड है और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें कोई भी कमजोरी यहाँ हमें ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिल रही है, तो आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। और अदरवाइज आप 1 आवर को यहाँ देखें तो 1 आवर के अंदर क्या है फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा इसका MACD जो है वो लगभग यहाँ आधे से ज़्यादा नीचे की तरफ आ चुका है। बट अगर हम प्राइस को यहाँ कंपेयर करें तो प्राइस एक रेंज बाउंड यहाँ पर रही है, यहाँ प्राइस जो है आप देख पा रहे होंगे एक बार फॉर फॉल आया, उसके बाद में कंसोलिडेट ही कर रहा है। रीज़न कि स्टोकास्टिक पैरेलली यहाँ पर बढ़ रहा है, तो आपको क्या है जब तक ये स्टोकास्टिक बढ़ रहा है आप इसको वेट करें अंदर, और ये कितना ऊपर जा सकता है 1 आवर का स्टोकास्टिक। अगर 1 आवर के स्टोकास्टिक ऊपर जाने में RSI भी मूवमेंट दिखाती है और ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस वेरिएशन अच्छा आता है, तो आप उसको एंजॉय करिए। बट अगर 1 आवर ऊपर जाने के बाद भी प्राइस वेरिएशन इतनी नहीं आती है, प्राइस नहीं चढ़ता है बहुत ज़्यादा, और सिर्फ ये कंसोलिडेशन ही रह जाता है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि इसका जो चढ़ना था वो काफ़ी हो चुका है, अब एक बार ये सांस लेगा और थोड़ा सा नीचे उतरेगा। तो मेरे ख्याल से मैं अगर आपको यहाँ पर टारगेट दूँ तो दोस्तों ये जो रेंज बाउंड एरिया है इससे नीचे अगर प्राइस जाती है, से सपोज कि 330 से नीचे जाती है, या और सेफ साइड ले लेते हैं 325 से नीचे अगर रख जाती है, तो आपको अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं। एंट्री तो अभी किसी को भी नहीं लेनी है यहाँ पर वन डे के चार्ट में, जब तक यहाँ पर टर्न अराउंड नहीं हो जाता है, और वन डे का स्टोकास्टिक एटलीस्ट आप जाने दीजिए। अगर आप MACD ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सांस लेके और भी ऊपर चढ़ सकता है, पर वन डे का स्टोकास्टिक जब तक नीचे नहीं आ जाता, एटलीस्ट 30 से नीचे नहीं आ जाता, किसी को एंट्री नहीं लेनी है, ना शॉर्ट टर्म बायर्स को ना लॉन्ग टर्म बायर्स को। और जो लोग अंदर हैं वो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, और आप 1 आवर को लगातार जिस तरीके से मैंने बताया उसको देखकर होल्ड कर सकते हैं, 325 को अपना एक मार्जिन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस बना सकते हैं, और अगर इसमें प्राइस चढ़ती है 1 आवर के चार्ट पर, तब आप वन डे को इसमें फॉलो करें आगे, और वन डे में RSI ऊपर जा को चढ़ते हुए देखें और गहरी नज़र बनाए रखें। हम दोबारा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आप हमसे और भी इसमें राय ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। एंड करने से पहले आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां बता देता हूं दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमारे साथ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं जिसमें आप 25% to 40% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स के टाइम पीरियड में, डेली ट्रेडिंग हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज इट इज़ अ रिस्क, हम नहीं चाहते हमारे फॉलोअर्स किसी रिस्क में आए।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को, जिसको हम कहते हैं कि बढ़िया शानदार स्टॉक्स और कचरे भावों में लेकर और उसके अंदर हम स्विंग ट्रेडिंग्स करवाते हैं दोस्तों, और उसमें आप इजी रिटर्न्स 25-40% कर सकते हैं। नॉमिनल सर चार्जेस होंगे दोस्तों, सिर्फ नॉमिनल से चार्जेस। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ओवर करता हूँ। आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अनलाइक करें अगर पसंद नहीं आई है, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम अपनी वीडियो को बेहतर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।